एट्थ क्लास स्टूडेंट SOS स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि जो भी हम SOS पढ़ते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला वो होता है जो हिस्ट्री होता है, जो हमारा पुराना समय राजाओं महाराजाओं वाला जो समय बीता उसको हिस्ट्री में लिया जाता है, तीन पार्ट होते हैं इसके। दूसरा होता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर ये चीज़ होती है जो धरती भूगोल जिसको कहते हैं, धरती के बारे में, ज्योग्राफी भूगोल को ही कहा जाता है, धरती के बारे में जितनी बातें, धरती या सूर्य या सौरमंडल इन चीज़ों के बारे में जितनी बातें की जाती है वो सारी ज्योग्राफी के अंदर आती है। और तीसरा होता है राजनीति कि जब देश आज़ाद हुआ या आज़ादी से पहले देश के हालात क्या थे, तो उस चीज़ को लिया जाता है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसका सेकंड पार्ट है जिसको ज्योग्राफी भी आप बोल सकते हो। तो इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं संसाधन, संसाधन अपने जीवन के अंदर पृथ्वी का कोई भी पदार्थ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान है, जो हम जितने भी लोग हैं धरती के ऊपर जी रहे हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में धरती के किसी न किसी जो उसके ऊपर धरती में से कोई चीज़ मिली है या धरती के ऊपर कोई चीज़ पैदा हुई है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं। जैसा आप प्रयोग करते हो, कॉपी है आपके पास, तो जो कॉपियां बनी हुई हैं वो कागज़ की बनी है। कागज़ कहाँ से बना? पेड़ों से। पेड़ जो हैं वो धरती के ऊपर पैदा हुए और उनको अंदर से बुरादा लुगदी वगैरह बना के उसको कागज़ को बना दिया गया। जितनी चीज़ें जो आपने कपड़े पहन रखे हैं वो भी धरती के ऊपर पैदा हुई कपास के हैं। जितनी भी चीज़ें जो हमारे यूज़ के अंदर लाई जाती हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। कई प्रकार के संसाधन हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें, मैंने कल भी बताया था, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। कुछ संसाधन वो होते हैं जो वास्तविक होते हैं, जैसे तेल वगैरह हो गया, और कुछ होते हैं संभाव्य संसाधन जिसके बारे में पूर्ण मात्रा में पता नहीं चलता, सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर होता है नवीकरणीय संसाधन, वह संसाधन होते हैं जो मानवीय क्रियाओं का, जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।